शेयर बेच के बोले मेरे वो जमाने में एटलीस्ट मंदी में 30-35 करोड़ रुपया कमाया बेच बेच के बेच बेच के बस वी न्यू इट वाज फ्रॉड मनी और पहले बेचा फिर काटा बिकॉज़ यू नो इतना पैसा है और वैल्यूएशन वाज अनबिलीवेबल बोले आप समझेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एनएवी ओपन क्लोज एंडेड फंड लिस्टेड 52 रुपया लिस्टेड प्राइस 160 हमने शॉर्ट मार दिया नेक्स्ट डे 240 तो मैंने तो क्या किया मेरा पोर्टफोलियो था 40 करोड़ मैं बोला 40 करोड़ का शेयर बेच दो कुछ भी स्टेट बैंक की और समझो वो 40 का 50 हो तो अपन 10 करोड़ का शेयर बेचो और हवाला बिकॉज इफ द मार्केट गोज इन माय पोर्टफोलियो विल गो सो व्हाट आई डू इज दैट आई सेल शेयर्स वर्थ से 10 रुपीस इफ द मार्केट गोज अप दैट 10 बिकम्स 12 माय पोर्टफोलियो आल्सो बिकम्स 12 तो आई सेल 12 एंड आई सेल 12 टू एंड पे द डिफरेंस और जब घटना चालू हुआ था हमने तो बोला भाई रियली मैन 100 रुपए में लिया था मेरे दोस्त ने इसे 100 रुपए में उसके अंदर 3 साल पहले उसकी राइट इश्यू अंडर सब्सक्राइब हुई थी और उसने वो एसएससी 10,100 रुपए वो 100 रुपए वाला एसएससी ऐसा क्या एसएससी सोना बना थे वही मेरा दोस्त था मैंने बोला दोस्त मैं तो टाटा टी के शेयर ले लिए बहुत घबराहट लगता है फंडामेंटली तो 80 का पी है बोले राकेश सब धंधा का मेंटल है ये बात करें आप समझे ना सी वी हैव टू सी द मार्केट विद रियलिटी वी डोंट हैव टू जॉइन एवरी पार्टी आप लोग कैसे बिलीव करते हैं आपको कोई आगे बोलता है अर्शद भाई ले तभी भी लियो 3200 में बोलो बोलते हैं वो आप 3600 तक नहीं लेते आप 3800 में लेते हो 4400 आप खुद तो उसको बोलते हो ए सोचे ले ले इसे अच्छा भाई बोले जी 5000 बट यू हैव टू सी व्हाट द रियलिटी इज मार्केट अल्टीमेटली ओन रियलिटी